A sound is coming. Hello. हेलो, नाउ साउंड इज देयर? ओके तो सी अब बाबा बुदान हिल्स, मैंने इतना ही बताया। जो बाबा बुदान हिल्स हैं, दे आर इन कर्नाटका। दे आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड दे आर फेमस फॉर कॉफी। बस इतना याद रखो। और एक चीज और याद रखो, कॉफी मेजर प्रोड्यूसर इज कर्नाटका। नहीं याद करूं, मेजर प्रोड्यूसर इज कर्नाटका। कर्नाटका इज फर्स्ट इन कॉफी। ठीक है, आगे। नीलगिरी हिल्स। अब नीलगिरी हिल्स में क्या होता है, जस्ट सी हियर। ये इंडिया, दिस इज इंडिया। ठीक है, इधर की साइड भी है वो वेस्टर्न घाट, इधर से आ रहे हैं ईस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं यहां पर और ये बनाते हैं नीलगिरी हिल्स। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, जो नीलगिरी हिल्स है, नंबर वन, दे आर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। सो नीलगिरी इज अ जंक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट। अब ये भी याद रखना है, नीलगिरी इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। थर्ड, अब नीलगिरी की हाईएस्ट पीक, अब तीन देखो, नीलगिरी राइज इन थ्री स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। सो नीलगिरी लाइज इन थ्री स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। और एक चीज और नोट करो, नीलगिरी की हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी डोडा बेटा। तो ये बन गया आपका नीलगिरी हिल्स। द हाइएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इज डोडा बेटा। ठीक है, क्लियर है, डन। चलो सो हम आगे देखेंगे। जितना बोर्ड पे लिख रहा हूं प्लीज मेंशन करते रहो, अपने नोट्स में कर लो, कॉपी में कर लो, जहां करना है कर लो। अब अन्नामलाई रेंज, अन्नामलाई रेंज, सिर्फ एक चीज याद करनी है कि दिस लाइज इन तमिलनाडु। सो अन्नामलाई रेंज दिस लाइज इन तमिलनाडु। ठीक है, अब ये लिखो, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया बनेगा अनाई मूवी, अनाई मूवी। और अनाई मूवी इज अ पीक इन तमिलनाडु, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया अनाई मूवी। ठीक है, अब लिखो, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट बनेगी कलसुबाई, कलसुबाई। ठीक है, अब ये देखें, पलनी हिल्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, पलनी हिल्स दीज लाइज इन तमिलनाडु, पलनी हिल्स दे लाइज इन तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट, अगस्त मलाई हिल्स, अगस्त मलाई हिल्स
दिलाई केरला, दिलाई इन केरला, ठीक है। नेक्स्ट काडमम हिल्स, काडमम हिल्स, काडमम का मतलब है इलायची, काडमम हिल्स, ये भी दे लाई इन केरला। ठीक है, नल्ला मलाई हिल्स, नल्ला मलाई हिल्स, आंध्र प्रदेश। सो नल्ला मलाई हिल्स दे लाई इन आंध्र प्रदेश। ठीक, और एक लास्ट महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा मत देखो, द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, जैसे मैंने बोला हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट कलसू भाई, ऐसे ही हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी जो पीक है दिस लाइज इन उड़ीसा। तो महेंद्रगिरी जो हाईएस्ट पीक है दिस लाइज इन उड़ीसा। ठीक है, इज दिस ओके? चलो डन है। चलो अब एक अगली हेडिंग बनाओ, वैली, अगली हेडिंग बनाओ वैली। तो अरुणाचल जीके में तो आप वैलीज पढ़ते रहोगे, ये वैली कहाँ है, वो वैली कहाँ है, ठीक है, बट हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तीन वैलीज आपको याद करनी है, तीन चार, कश्मीर वैली, ठीक है, कुल्लू वैली, कुल्लू मनाली सुनाओ, कुल्लू वैली, फिर आपको याद करना है कांगड़ा वैली, कांगड़ा वैली, ठीक है, और एक नेपाल का कैपिटल काठमांडू, काठमांडू वैली, बस ये याद रखनी। और उसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है कि ये वैली किन किन स्टेट में है, तो कश्मीर वैली नाम सही है, जम्मू एंड कश्मीर, कुल्लू वैली एंड कांगड़ा वैली दिस लाइज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और ये काठमांडू वैली दिस लाइज इन नेपाल, सो इट लाइज इन नेपाल। दिस ओके? ठीक हो गया? सो वैली, चार वैली आपको याद करनी है, कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, काठमांडू वैली। कुल्लू और कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में है, काठमांडू वैली नेपाल में है, कश्मीर वैली आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। इज इट ओके? चलो नाउ वी विल टॉक अबाउट प्लेट्यू, प्लेट्यूज, प्लेट्यू, ठीक है। अब मैं सिंपल सिंपल आपको पूरा नहीं बता रहा हूं, सिंपल सिंपल बता रहा हूं कौन सा प्लेट्यू किस स्टेट में है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, सो मालवा प्लेट्यू इज इन मध्य प्रदेश, मालवा प्लेट्यू है मध्य प्रदेश में, लिखते रहो नोट्स में, लिखा हुआ है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड प्लेट्यू, सो बुंदेलखंड प्लेट्यू यूपी, ठीक है। उसके बाद बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड जो प्लेट्यू है यूपी एंड मध्य प्रदेश, ठीक है।
और ये जो प्लेट्यू है आपने सुना होगा, यहाँ पे एक रिवर चलती है जिसका नाम है चंबल, सुना होगा चंबल के डाकू, रिवर बाय द नेम चंबल, ठीक है। और ये भी लिखो, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, ठीक है, एंड यमुना इज द फर्दर ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हाट, गंगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज योर चंबल, इज इट ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है छोटा नागपुर प्लेट्यू में बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स, आयरन है, कॉपर है, अल्युमिनियम है, देयर आर मल्टीपल मिनरल्स इन दिस प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू है झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तो ये एरिया, दिस इज व्हाट इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। इस प्लेट्यू में एक रिवर चलती है जिसका नाम है दामोदर, दामोदर, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली, दामोदर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर हुगली, ठीक है। और दामोदर साइड पे लिखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल, क्योंकि यहां पे फ्लड आता ही रहता है, फ्लड आने से यहां पे मायूसी हो जाती है, सॉरो हो जाता है, सॉरो, तो दिस इज नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल, दामोदर। ऐसे एक और लिखो, दो वर्ड और लिखो, सॉरो ऑफ बिहार, सॉरो ऑफ बिहार, इस रिवर का नाम है कोसी, ठीक है। ऐसे ही एक और रिवर लिखो, सॉरो ऑफ चाइना, सॉरो ऑफ चाइना, रिवर लिखो हवांग हो, हवांग हो, ठीक है, सॉरो ऑफ बंगाल, सॉरो ऑफ बिहार, सॉरो ऑफ चाइना, ठीक है। अब इधर आ जाओ, छोटा नागपुर प्लेट्यू, अब छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडिया का, इंडिया मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, सॉरी इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत है, मिनरल्स ज्यादा होने के कारण यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत है, इंडिया का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, और इट इज ऑल्सो नोन एज रड ऑफ इंडिया, रड ऑफ इंडिया, इतना आपको मैंने तैयार करा दूंगा जीके में कि आपको खुद से कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हाँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, रड ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे लिखो डेक्कन प्लेट्यू, आगे लिखो डेक्कन प्लेट्यू, अब डेक्कन प्लेट्यू ऐसे याद करना है आपको, ये इंडिया, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, यानी कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, तो ये सारा एरिया, दिस होल एरिया, this will become Deccan Plateau, this will become Deccan Plateau, ठीक है। Deccan Plateau के इधर ये
ये माउंटेन है, हिल्स है, और इस हिल्स का नाम है सतपुरा। मैं लिख रहा हूं यहां पे सतपुरा हिल्स, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू के ये पार्ट है जो डेक्कन प्लेट्यू का, ये दे आर नोन एज वेस्टर्न घाट्स, दे आर नोन एज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और डेक्कन प्लेट्यू का ये पार्ट, ये दिस इज नोन एज ईस्टर्न घाट, सो दे आर नोन एज ईस्टर्न घाट। ठीक है, सो दिस इज योर वेस्टर्न घाट, दिस इज योर ईस्टर्न घाट, इज इट ओके? इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक चीज और लिखो, डेक्कन प्लेट्यू इट इज मेड अप ऑफ लावा, इट इज मेड अप ऑफ लावा, और यू कैन से इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, ब्लैक सॉइल, और वी कैन से दिस इज मेड अप ऑफ रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। और वी कैन से ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, दिस इज मेड अप ऑफ इग्नियस रॉक्स, क्लियर हो गया? चलो, सो नाउ अगली हेडिंग बनाओ, वेस्टर्न घाट्स। तो अगली हेडिंग बनाओ वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अब आपको वेस्टर्न घाट ऐसे याद करते हैं, सबसे पहले ये इंडिया, और ये वेस्टर्न घाट यहां से, यहां पे एक रिवर है जिसका नाम है तापी, ठीक है। ये तापी रिवर से शुरू होंगे, यानी कि गुजरात, ये सारा करते करते ऐसे आएंगे अब तो कन्याकुमारी, ठीक है। तो आपको याद रखना है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो पहली लाइन लिखो, तापी टू कन्याकुमारी, ठीक है। तापी से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे, फिर वेस्टर्न घाट ये सिक्स स्टेट्स में जाएंगे, सिक्स स्टेट्स, अब आप पूछोगे सर कौन कौन सी स्टेट्स, शुरू हो जाओ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, तो ये छह स्टेटों में जाए, ठीक है। सो दे विल फ्लो और दे विल बी इन सिक्स स्टेट्स, so they will be in six states, आगे
अब ये डायग्राम, ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट को मिलेंगे यहां पर, हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये ईस्टर्न घाट को मिलेंगे यहां पर, और हम एक लाइन लिखेंगे नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। तो नीलगिरी हिल्स में जो वेस्टर्न घाट है, दे विल, वेस्टर्न घाट विल मीट ईस्टर्न घाट, इसको तो हमने पहले डिस्कस कर लिया ना, ठीक है। और वेस्टर्न घाट से बहुत सारी रिवर्स शुरू होंगी, इधर को जाएंगे मल्टीपल रिवर्स, सच आपने सुनी भी होगी गोदावरी, ये अलग से करेंगे, एक पूरा लेक्चर लगाएंगे रिवर्स पे। रिवर्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इस बार यूटीसी में भी पूछा था, ठीक है। सो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, तो ये तीन रिवर्स, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सो ये तीन रिवर्स दे आर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और एक चीज और देखो, वेस्टर्न घाट है बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट, इट्स अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। और याद है मैंने आपको वो पासिस करा दिए थे वेस्टर्न घाट में, करा दिए थे, बट आई एम मेंशनिंग ताकि आपकी एक ही जगह में नोट्स बन जाए, पास याद है। लास्ट लेक्चर देखो, वी टॉक अबाउट थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, शेनकोटा, क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट इज योर वेस्टर्न घाट्स। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, वेस्टर्न घाट का, समझे। इसका मैसेज आ रहा है, बातें ना हो ना हो, इस फ्रॉम दापो रीजन ना, नो साउंड, नो साउंड, नो साउंड, साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं सो, ये हमारा भाई नहीं आया, तरफ का फिर तो नहीं आया, मॉन्स्टर बनाने के चक्कर में नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा एक चीज और लिख, वैसे मैंने आपको पहले पढ़ा दिया वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, देखो कलसू बाई, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, कलसू बाई, ठीक है। आप जिस मर्जी कोचिंग में चले जाओ, इतना वेस्टर्न घाट के बारे में कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। अब जाके देखो, ठीक, चलो। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ईस्टर्न घाट्स, ओके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ईस्टर्न घाट्स, अब ज्यादा नहीं पढ़ना है, ईस्टर्न घाट से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ठीक है।
सबसे पहले क्वेश्चन, इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक कहीं यहाँ पे है उड़ीसा में, जिसका नाम है महेंद्र गिरी। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उड़ीसा, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट में मल्टीपल हिल्स है, छोटे 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 मल्टीपल हिल्स है। ठीक है, पूछेगा नहीं बट फिर भी पढ़ लो क्या जाता है। सरकार, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है, सदर्न सरकार, ठीक है, उसके बाद नल्ला मलाई हिल्स, ठीक है, पाल कोंडा हिल्स, ठीक है, शेवा रॉय हिल्स, ठीक है, जवादी हिल्स। बस ये याद रखो कि ये जो हिल्स है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न घाट। और लास्ट में क्या हो रहा है, जो ईस्टर्न घाट है, दे आर मीटिंग हूम, दे आर मीटिंग हियर। और दिस इज, बार बार बोल रहा हूं, नीलगिरी। सो ये बन गया नीलगिरी हिल्स, हो गया। So this is what is your Nilgiri Hills. ठीक है जी, चलो। So now we will talk about coastal plains. Last topic for today. Coastal plains. सबसे पहले तो ये याद रखो, ये इंडिया, ये कोस्टल प्लेन का मतलब ये ठीक है, ये जो पार्ट है, ये दिस इज द कोस्टल प्लेन। अब इंडिया के दो तरह के कोस्टल प्लेन है, इसको बांटेंगे ऐसे, ये अरेबियन सी को जो लग रहा है, ये वेस्ट कोस्ट प्लेन, ठीक है, और इधर की साइड ईस्ट कोस्ट प्लेन। वेस्ट कोस्ट प्लेन, ईस्ट कोस्ट प्लेन, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं, सबसे पहले तो ये आता है कि कोस्टल स्टेट्स कौन सी है। अब वैसे ही कोस्टल स्टेट गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर यहां पे एक छोटी स्टेट आएगी, छोटी सी स्टेट गोवा, फिर कर्नाटका, यहां से यहां कर्नाटका, केरला, समझे, फिर ये तमिलनाडु, फिर ये आंध्र प्रदेश, फिर ये उड़ीसा, और फिर ये बंगाल। ये हो गया। सो दीज आर द कोस्टल स्टेट्स। और एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि सबसे लंबी कोस्ट किस स्टेट की है। तो सबसे लंबी कोस्ट है गुजरात, नोट डाउन करो, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ओके। सो गुजरात की है सबसे लंबी कोस्ट लाइन। क्लियर, चलो अब ध्यान से सुनो। कोंकण कोस्ट, देखो गुजरात वाली कोस्ट लाइन इज नोन एज गुजरात, गुजरात कोस्ट लाइन इज नोन एज गुजरात कोस्ट लाइन, ठीक है। महाराष्ट्र एंड गोवा, महाराष्ट्र
एंड गोवा, इस कोस्ट लाइन को बोलते हैं कोंकण कोस्ट लाइन। सुना होगा कभी कोंकण कोस्ट लाइन, ठीक है। कर्नाटका, कर्नाटका वाली कोस्ट लाइन को बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट लाइन। कन्नड़ उनकी लैंग्वेज भी है, कन्नड़ नाम से जाना जाता है, कन्नड़ कोस्ट लाइन, ठीक है। केरला, केरला वाली कोस्ट लाइन को बोलते हैं मालाबार कोस्ट लाइन। जैसे ईटानगर में मालाबार नाम से रेस्टोरेंट भी है ना, वो मालाबार उसका नाम क्यों है, क्योंकि वो रेस्टोरेंट के जो ओनर है वो मलयाली है। दे आर फ्रॉम केरला, दे आर फ्रॉम साउथ इंडिया, हेंस तो केरला की कोस्ट लाइन इज ऑल्सो नोन एज मालाबार कोस्ट लाइन, ठीक है। अब तमिलनाडु की जो कोस्ट लाइन है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोस्ट लाइन, ये सुना होगा आपने, दिस कोस्ट लाइन इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट लाइन, कोरोमंडल कोस्ट लाइन, ठीक है। ओडिशा की जो कोस्ट लाइन है, दिस इज नोन एज उत्कल। कभी जनगण मन सुनो तो जनगण मन में उत्कल आता है, उत्कल। तो जब उड़ीसा की कोस्ट लाइन है, ये उत्कल कोस्ट लाइन से जानी जाती है, उत्कल। और जो बंगाल की कोस्ट लाइन है, ये बंगाल कोस्ट लाइन, बंगाल कोस्ट लाइन, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है देखो, सबसे पहले अब बात करेंगे कर्नाटका का। तो कर्नाटका में एक रिवर है जिसका नाम है शारावती, शारावती रिवर। शारावती रिवर पे ऊपर एक वॉटरफॉल है जिसका नाम है जॉग फॉल, इट इज ऑल्सो नोन एज गैरसोपा वॉटरफॉल, गैरसोपा वॉटरफॉल, ठीक है। और ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल, ये इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, और इसका नाम है जॉग फॉल या इसका नाम है गैरसोपा वाटरफॉल, ठीक है। अब दो चीजें याद रखनी है इस कोस्ट पे, केरला वाली कोस्ट पे, इस पे आपने दो लेक याद रखनी है। एक लेक का नाम है वेम्बनाद, वेम्बनाद, और एक लेक का नाम है अष्टमुदी, अष्टमुदी, ये लेक है। आपने सुना होगा केरला इज फेमस फॉर बैक वाटर ना, तो दीज आर द बैक वाटर लेक्स, वेम्बनाद लेक, अष्टमुदी लेक, ठीक है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, यहां पर आपको याद रखना है एक लेक है पुलिकट, पुलिकट लेक, और पुलिकट लेक के ऊपर आइलैंड है, एक आइलैंड है जिसका नाम है श्री हरी कोटा, श्री हरी कोटा। और श्री हरि कोटा से जो इसरो, जितनी भी इसरो अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो वो यहां से लॉन्च करता है, इस लेक से लॉन्च करता है, समझे। ऐसे ही उड़ीसा, यहां पर एक लेक है जो इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी इंडिया की लेक, जिसका नाम है चिल्का लेक, चिल्का लेक, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। एक और याद रखो, आंध्र प्रदेश में यहां पर ये, तो यहां पर एक लेक है जिसका नाम है कोलेरू लेक, और ये फ्रेश वाटर लेक है, समुंदर से नहीं है, फ्रेश वाटर, तो दिस इज अ फ्रेश वाटर लेक, हो गया। देखो अब ये तो कर लिया,
अब इसी के साथ एक हेडिंग बनाओ, यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के पोर्ट्स। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, आपके नोट्स में नहीं है बट क्वेश्चन आता है कौन सा पोर्ट कहाँ पर है, अभी यूडीसी में भी आया हुआ। तो ये इंडिया, अब स्टेट तो आपको पता ही है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हो गया क्लियर हो गया। गुजरात में यहां पर एक पोर्ट है जिसका नाम है कांडला, बस कांडला पोर्ट। ये महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र में यहां पर पोर्ट मुंबई, ठीक है, और एक और पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएनपीटी से, दोनों लाइन इन महाराष्ट्र। और ये जो मुंबई पोर्ट है, इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। गोवा, गोवा का पोर्ट है मारमागाव, मारमागाव, सो दिस पोर्ट लाइज इन गोवा। कर्नाटका, कर्नाटका में एक पोर्ट होगा मैंगलोर, मैंगलोर, ठीक है, मैंगलोर पोर्ट। केरला, केरला में एक पोर्ट है, मेजर पोर्ट है कोची, कोची। तमिलनाडु में तीन है, एक यहां और एक यहां। इस पोर्ट का नाम है ट्यूटीकोरिन, इस पोर्ट का नाम है चेन्नई, सुनो, इस पोर्ट का नाम है एन्नोर, ट्यूटीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर पोर्ट, ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट आएगा जिसका नाम है वाइजैग, और इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट, और इट इज ऑल्सो नोन एज विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, और ये इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है। उड़ीसा, मेजर पोर्ट आएगा पैरादीप, ठीक है, और बंगाल में दो पोर्ट है, हल्दिया और एक रिवर आ रहा है, इस रिवर का नाम है हुगली, इस रिवर के ऊपर भी पोर्ट है लैंड में, जिसको बोलते हैं रिवराइन पोर्ट, कैलकटा, कोलकाता, और यही क्वेश्चन बार बार आता है, इंडिया का रिवराइन पोर्ट, रिवराइन पोर्ट, ऐसा पोर्ट जो रिवर पे है, कौन सी रिवर पे है, हुगली। अब एक क्वेश्चन और आता है, हिंदुस्तान की कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट है, ये मेजर पोर्ट है, छोटे छोटे और भी है, तो सबसे ज्यादा जो मेजर पोर्ट है वो यहाँ है, यहाँ यानी कि तमिलनाडु, तीन मेजर पोर्ट है, ट्यूटीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, बिजिएस्ट पोर्ट, लार्जेस्ट पोर्ट मुंबई, डीपेस्ट पोर्ट विशाखापट्टनम, और इंडिया का ओनली रिवराइन पोर्ट कैलकटा, ठीक है, इज दिस ओके। ठीक है, यस सर, ओके सर, चलो अब हम बंद कर रहे हैं, कल करेंगे फिर।
कल क्लास है नहीं है वो देखेंगे बिकॉज ऑफ 15th अगस्त. ठीक है, सो यू विल गेट अ मैसेज. ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर व्हाट 20, दिस इज माय ड्यूटी. ये तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, किस चीज का थैंक यू. एक भी आदमी ने जब से मैंने क्लासेस दी है मेरे को किसी ने मॉन्स्टर नहीं पिलाया. ठीक है, प्यार ही नहीं करते हो मेरे को. किसी ने नहीं कहा कि सर चलो आप आज मॉन्स्टर दियो हमारी तरफ से. इतना बोल रहा है, इतना पसीना आ रहा है, देखो ऐसा आदमी है. वो मेरा भाई कहा गया तरन पावे तो नहीं है. देखो चलो, ओके बाय, टेक केयर.